सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको इस कुर्ती की कटिंग बताई थी, किस तरीके से हम इस तरीके की कुर्ती कटिंग करते हैं। ये फिर से मैं आपको थोड़ा पैटर्न दिखा देता हूँ। ये जो है ऊपर की जो बॉडी है, इसमें हमें कोट कॉलर लगाना है और यहाँ पे जो कोट कॉलर होगा वो ब्लैक कलर का होगा और ब्लैक कलर का यहाँ पे इस तरीके से ये कट आएगा और इस तरीके से सेंटर में हमें कट रखना है। बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन हम तैयार करके आपको दिखाएंगे। तो पहली वीडियो में मैंने कटिंग बताई थी, ये हमारी दूसरी वीडियो जो है, जो अगला पार्ट है, इसमें मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगा, स्टिचिंग कैसे करते हैं इसकी, कैसे हम यहाँ पे कॉलर बनाते हैं, कैसे सेंटर कट डालते हैं, तो ये इसमें सीखना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ये निशान है हमारा ये वाला, ये हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया हुआ है इस साइड में 2 इंच का, ये 2 इंच का गैप रखा हुआ है हमने एक्स्ट्रा। यहां से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से हमें जो डीप लेंथ रखनी है इस तरीके से तकरीबन हम यहाँ पे रखेंगे ये 4 इंच तक। यहां से हम ऐसे गोलाई डालेंगे और इसको आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे, जैसे हल्ला कटिंग किया जाता है ऐसे हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर भी कट कर लेते हैं। अब हमें बैक साइड में हल्की सी गोलाई देनी है, तो यहाँ पे जितनी हमने एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है बैक साइड, इसमें ही हमें यहाँ पे हल्की सी गोलाई कटिंग करनी होती है ऐसे। इससे क्या होता है, हमारा कॉलर अच्छे से सेट बैठ जाता है और शोल्डर भी हमारे टाइट नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पे ये तैयार करना है फ्रंट, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा लेना है, ये ब्लैक कलर का ही हमने कॉलर लगाना है, ब्लैक कलर का ही हमें यहाँ पे ये कपड़ा लेना है। ये हम यहाँ पे पहले इसको सीधा ऐसे बिछाते हैं, ये डबल है ऐसे, फिर इसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे फ्रंट। ये तकरीबन हमारा 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए कंधे में और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इसकी। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और ये आएगा हमारा कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ऐसे हल्की हल्की इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे 2 पीस हो जाते हैं, इनके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेते हैं दोनों के ऊपर। तो दोस्तों दोनों पीसों पे हमने कर ली है पेपर पेस्टिंग पेस्ट, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो ये हमने पेस्ट करने के बाद अब हमारी स्टिचिंग का काम रह जाता है, तो अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे ये दोनों पार्ट में एक निशान लगाना होगा, ये निशान लगाएंगे हम तकरीबन 2 इंच पे। यहाँ पे इसको ऐसे हल्का सा कट लगा लेते हैं। अब हम एक एक फ्रंट में एक एक साइड ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मार्जिन जो लेंगे 1/2 इंच का लेंगे। सिलाई लगाएंगे इस निशान तक।
इसी तरीके से दूसरी वाली साइड वाला जो फ्रंट होता है ये भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो दोनों में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं, इस साइड में भी कट लगाएंगे और यहाँ पे नोक निकालते हुए इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों साइड ये पलटते हुए प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। अब हमें यहाँ पे ये क्या करना होगा, यहाँ पे फोल्ड लगाना है। फोल्ड कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता दूं, जैसे कोट कॉलर का फोल्ड होता है इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा ऐसे आएगा। इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इतना ही फोल्ड हम यहाँ से लगाएंगे। ये भी हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसके बाद ये आएगा हमारा ऊपर नीचे। जितना हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग किया हुआ है उतना ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर नीचे चढ़ाएंगे। कहने का मतलब है हमने 1.5 इंच किया हुआ है यहाँ पे, ये 2 इंच लिया था, उसके बाद आधा इंच हमारा मार्जिन का आ जाता है। तो हम यहाँ पे ये इतना ऊपर नीचे इसको ऐसे चढ़ाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे बिल्कुल सीधी हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ये कच्ची सिलाई लगाते हैं, बाद में इसको हम खोल देते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे आएगा हमारा कॉलर, इस पॉइंट पे कॉलर चढ़ जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, शोल्डर ज्वाइंट करने हैं, जो बैक साइड है उसमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। नीचे हमने बैक साइड रखी है, ऊपर रखा है फ्रंट, और आधा इंच की सिलाई से इसको ज्वाइंट करते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलर, तो पहले कॉलर देखते हैं हमें कितने इंच का यहाँ पे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे इंच टेप और यहाँ पे ऐसे नापेंगे, तो हमारा 16 इंच का कॉलर यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा। 16 इंच का कॉलर हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है, इसको डबल किया है, एक साइड में ऐसे निशान लगाएंगे सीधा इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने इंच का हमें कॉलर चाहिए, 16 इंच का, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से लगाएंगे तकरीबन 1 इंच का, और यहाँ पे हल्की सी इस तरीके से गोलाई डाल देंगे, और यहाँ से जितनी हमें नोक बनानी है उतनी यहाँ पे नोक बनाएं। और जैसे हमने यहाँ पे 3 या 3.25 इंच की नोक काफ़ी रहती हैं, यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। ये कॉलर कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये हमने कॉलर कटिंग कर लिया है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं ब्लैक कपड़े के ऊपर। दोस्तों कॉलर हमने पेस्ट कर लिया है और एक साइड से इसको प्रेस से मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। जो नोक वाली साइड है ये हम अब तैयार करेंगे। तो कॉलर तैयार करने के लिए एक पीस हमें ऐसा ही लेना होगा। अब हमें सिलाई लगानी है पेपर पेस्टिंग के साथ साथ। नोक पे आने के बाद एक धागा लेंगे, इसको डबल करेंगे और यहाँ पे
दोनों कपड़ों के बीच में ऐसे सुई के पास में लगा लेते हैं, एक टांका लगाएंगे जिसमें कि हमारा ये धागा फंस जाए, और इस धागे को इस साइड में निकाल लेते हैं ऐसे। अब हम आगे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी। आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। और बीच में हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और ये धागा खींचेंगे तो नोक हमारी निकल आएगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी नोक निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कॉलर पलट लिया है हमने, प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है, और जिस साइड से हमें ज्वाइंट करना होता है वहां पे हमने आधा आधा इंच का या एक एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा काट लिया है। अब हम इसको सेंटर पॉइंट बनाते हुए देखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट बना लेंगे, और जो कुर्ती है कुर्ती की बैक साइड का भी यहाँ पे कंधी मिलाते हुए सेंटर पॉइंट बनाते हैं, और यहाँ पे इसको अब हम ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे रखेंगे नीचे की साइड फ्रंट और ऊपर कॉलर, और यहाँ पे इस तरीके से इसको जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही यहाँ पे दबाव लेना है। यहाँ पे सेंटर हमारी मैच करने चाहिए दोनों, ये ध्यान रहे। दोस्तों कॉलर हमने कर लिया है ज्वाइंट, अब हम यहाँ पे ऊपर से इसको सिलाई से फिक्स कर देंगे यहाँ पे ऐसे। जितना मार्जिन होता है वो अंदर की साइड डाल देते हैं ऐसे, और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे कॉलर हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कॉलर आपको ज्वाइंट करके दिखाया है, और सीधा करने के बाद, प्रेस करने के बाद इसकी जो देखने में शेप आएगी इस तरीके से आएगी। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे कॉलर आपको बना करके दिखाया है। अब हमें यहाँ पे नीचे का पीस ज्वाइंट करना है। तो नीचे का पीस ज्वाइंट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक इसको स्टाइलिश बनाने के लिए एक 2 इंच की पट्टी डालेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं, ऐसे सेंटर पॉइंट बनाते हुए ऐसे रखेंगे और इसको इसी शेप में निशान लगा लेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पट्टी की तकरीबन 2.5 इंच की चौड़ाई या 3 इंच की चौड़ाई कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट बना लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सेंटर में ज्वाइंट करेंगे। जिस शेप में हमने यहाँ पे कटिंग किया है उसी शेप में यहाँ पे जोड़ेंगे। पूरा पूरा ही है तो एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जोड़ देते हैं। पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस पैर चौड़ाई वाली। तो सेम इसी तरीके से बैक साइड में पट्टी भी जोड़ लेते हैं। दोस्तों दोनों पट्टी हमने यहाँ पे जोड़ ली है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे नीचे का घेर ज्वाइंट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे फ्रंट का घेर भी ज्वाइंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऐसे रखेंगे फ्रंट को, तो उसके बाद नीचे का घेर का सेंटर पॉइंट बनाते हुए तरीका सेम होता है, यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कहाँ तक हमारा साइज आता है, तो ये यहाँ पे पूरा पूरा होगा, ये एक्स्ट्रा रहता है पीस। 1/2 इंच की सिलाई से यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे भी हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। लगानी हमें ब्लैक वाली पट्टी पे ही है, ताकि ये हमारी बेल्ट टाइप लगे। यहाँ से जैसे बेल्ट होती है इस तरीके की शेप आएगी यहाँ पे इसकी।
कर लिया है यहाँ पे तैयार। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरीके से ये फ्रंट और बैक दोनों पट्टी ज्वाइंट कर ली है। ये हमारी थोड़ी इस तरीके से लगी है। अब जैसे बेल्ट होती है तो बेल्ट टाइप हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है, जो कि अच्छी लग रही है और मैचिंग भी कर रही है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा साइज होता है उसके हिसाब से सिलाई लगा लेनी है साइडों में। जो भी हमारा साइज है, जो हमने कटिंग किया था वही साइज रखना है। और साइड ये पूरी की पूरी हम जोड़ लेते हैं, दोनों साइड से पूरा घेर जोड़ लेते हैं। और पूरा घेर जोड़ने के बाद मैं आपको काउंटर के ऊपर पूरा पीस फैला के दिखाऊंगा कि हमारा कैसा लगता है। तो दोस्तों नाप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे साइड ज्वाइंट कर ली है दोनों की दोनों, और यहाँ पे मैंने पूरी कुर्ती आपके सामने ये फैला दी है। तो दोस्तों पहली वीडियो जो थी हमारी कटिंग की थी, दूसरी में मैंने स्टिचिंग यहाँ पे पूरी आपको करके दिखाई है। सिर्फ हमारी बाजू रह जाती है, बाजू नॉर्मल जो ज्वाइंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम ज्वाइंट कर सकते हैं। नीचे की साइड से बारीक फोल्ड कर लेते हैं और ये कुर्ती हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। और घेर आप देख ही रहे होंगे, घेर यहाँ पे बहुत ही खुला घेर हमने यहाँ पे इसका रेडी किया है कुर्ती का। और एक यहाँ पे हमने बेल्ट लगाई है, ये बेल्ट बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरीके से अगर आप बेल्ट लगाते हो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे लुक आती है इसकी कुर्ती की। और कोट कॉलर भी हमने फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे बना करके आपको दिखाया है। पूरा सेंटर कट है, यहाँ पे काज बटन हो सकते हैं या ऊपर से यहाँ पे कोई फैंसी बटन भी हम लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। जैसा आप यहाँ पे इसको बनाना चाहें ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।